नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए एडीजी जोन का दौरा, एडीजी वाराणसी पीयूष मौर्या ने लिया जायजा। ये खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के मद्देनजर एडीजी जोन ने दौरा किया। अपने दौरे के तहत एडीजी वाराणसी पीयूष मौर्या ने पुलिस भर्ती परीक्षा का जायजा लिया। उन्होंने एग्जाम कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी जोन ने कई परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण किया। एडीजी वाराणसी ने परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गाजीपुर में 12 केंद्रों में पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हो रही है, जिसमें 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 5 दिनों तक 2 पलियों में हो रही है। देखिए यूपी गाजीपुर से संवाददाता रिजवान अंसारी की यह खास रिपोर्ट। और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है लगातार, क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहेंगे? आज उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई है। बहुत ही विस्तृत स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। सारे जो केंद्र हैं उन सभी केंद्रों में कैमरे इत्यादि लगाए गए। हमारे जोन में जो कि वाराणसी जोन है, इसमें 116 जो है केंद्र है, उन केंद्रों पर परीक्षा की जा रही है। मैं भी आज गाजीपुर जनपद में कुछ केंद्रों का जो है सर्वेक्षण करने आया, और यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मेरे साथ हैं। हम लोगों ने देखा कि सारी व्यवस्थाएं जो है उत्कृष्ट स्तर की हैं, और कैमरे इत्यादि लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम स्कूलों में बनाया गया, पूरे ज़िले का भी कंट्रोल रूम बनाया गया, जहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जो कैमरे की फीड है, लाइव फीड, उसको भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। सुबह बड़े समय से पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई थी, और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, सभी कैंडिडेट्स बड़े ही स्मूथली अपने अपने केंद्र में प्रवेश किए। उनका बायोमेट्रिक्स इत्यादि से उन वेरिफिकेशन भी कर लिया गया। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, अच्छे तरीके से ये पूरा परीक्षा आपका संपन्न होगी, मुझे पूरा विश्वास है, और हम इसे सुनिश्चित करेंगे। सर, आप सर ऐसे में काफी संख्या में कम बताया जा रहे हैं कि इस बार परीक्षा काफी लोगों ने छोड़ा है। नहीं देखिए, अभी तक जितने केंद्रों में गए उसमें कैंडिडेट्स आए हैं, और इस संबंध में अलग अलग केंद्रों पर स्थिति भिन्न हो सकती है। मुझे लगता है कि कुछ केंद्रों में अन्य राज्यों से यदि आए होंगे कुछ कम होंगे, ऐसा हो सकता है, पर फिर भी काफी संख्या में कैंडिडेट्स मौजूद हैं। नकल मेन परीक्षा कराने के लिए कितने स्तरों के सर सुरक्षा व्यवस्था? मल्टीपल चेक्स जो चेयरमैन भर्ती बोर्ड द्वारा बहुत ही अच्छा टोटल ये व्यवस्था बनाई गई है, और मल्टीपल चेक्स चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। लोगों का बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन भी किया जाता है, कैमरों में उनकी तस्वीर कैप्चर करके पूर्व की तस्वीरों से कंपैरिजन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगातार लाइव कवरेज रहता है। जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो परीक्षा दे रहा है उसको कंट्रोल रूम से बैठकर देखा जा सकता है लगातार, और यदि कोई व्यक्ति कभी कहीं जैसे यदि कोई संदिग्ध पाया जाए तो उसके विरुद्ध तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। कोई भी ऐसा जो है बिंदु नहीं है जो आपके जहन में उठता हो और जिसको ठीक करने के लिए तैयारी ना की गई।